नमस्कार, हेलो स्कॉलर्स. वंस अगेन आई डॉक्टर विंदर सिंह वेलकम यू ऑल ऑन दिस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लैकेट बर्मन डिजाइन. आपकी वो डिजाइन है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस में उसके इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए. मान लीजिए किसी प्रोसेस में हमने ये डिजाइन अप्लाई की और इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव पैरामीटर्स जो थे वो हमें पता चल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये पैरामीटर्स इनकी वैल्यूज क्या होगी जिसपे कि हमें एक ऑप्टिमम आउटपुट मिलेगा. इसको जानने के लिए हम अप्लाई करते हैं कई मेथड्स. आज उनमें से एक मेथड हम डिस्कस करेंगे आरएसएम. आरएसएम यानी कि रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि आरएसएम है क्या, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है. बॉक्स एंड विल्सन ने 1951 में ये मेथोडोलॉजी प्रपोज की थी और इस मेथोडोलॉजी को अब हम लोग आरएसएम कहते हैं, रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी, जो कि यूज की गई थी किसी भी प्रोसेस में जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, लीनियर है नॉन लीनियर है, किस तरीके से वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, इसको जानने के लिए इन्होंने ये मेथोडोलॉजी प्रपोज की थी. आरएसएम का जो की फैक्टर है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा वो है जो आउटपुट है वो हमको एक सरफेस के फॉर्म में मिलता है. मींस उसका जो विजुअलाइजेशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सरफेस प्लॉट. आगे हम लोग देखेंगे. अब आरएसएम क्या है, एक मेथोडोलॉजी है, यानी कि अगर हम एक इनपुट इसको दे दें तो उस इनपुट को हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इनपुट किसी भी फॉर्म में इसको नहीं दिया जा सकता. इसके लिए इनपुट एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होना चाहिए. जहां हम सिस्टमैटिक फॉर्म की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मैट्रिक्स या डिजाइन आ रही है. आरएसएम बेस्ड है हमारी सीसीडी यानी सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन पे, या बॉक्स एंड बैकन. सीसीडी के कई फॉर्म है, उनमें से किसी भी एक पे ये बेस्ड होती है. सीसीडी को प्रपोज किया था बॉक्स एटॉल ने और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड डिजाइन है. यहाँ पे बात करते हैं अब थोड़ी सी सीसीडी के लिए कि आखिर सीसीडी क्या है जिसपे की आरएसएम हमारा बेस्ड है. जैसे प्लैकेट बर्मन एक डिजाइन थी वैसे ही सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन है. प्लैकेट बर्मन में भी अपने कुछ की फैक्टर्स थे, यहाँ पे भी इसके अपने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. फैक्टर्स ऑफ कोर्स जो हमारे प्रोसेस वेरिएबल हैं वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा कंपोनेंट. सेकंड थिंग लेवल. जैसे हमने पढ़ा था प्लैकेट बर्मन हमारा 2 लेवल डिजाइन है, सीसीडी हमारी 5 लेवल डिजाइन है. लेवल हमारे कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, प्लैकेट बर्मन में हमने सेंटर वैल्यू के ऊपर और नीचे लिया था यानी हाई और लो. अब अगर ये 5 लेवल हो गया है तो हम एच और एल से काम नहीं चला सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर वाइज इस लेवलिंग की है. सेंटर वैल्यू से 2 लेवल आप नीचे आएंगे -1 -2 और सेंटर लेवल से 2 लेवल आप ऊपर जाएंगे +1 +2. तो ये हमारे इसके कंपोनेंट हो गए. फैक्टर्स हमें पता है, जो हमारे प्रोसेस वेरिएबल हैं वो हमारे फैक्टर्स हो गए, जिसको कि हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देखेंगे कि क्या ऑप्टिमम आ सकता है. लेवल हमारे ये 5 लेवल हो गए और जब ये दोनों चीजें हमारी कंबाइंड होती हैं, एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट होता है तो जाहिर सी बात है इसका हमें कोई ना कोई एक रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि इसका थर्ड कंपोनेंट है. अब ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, इसके डिजाइन में 3 कैलेजे की एक्सपेरिमेंट्स के 3 सेट्स ऑफ रन्स होते हैं जिनको कि हम कहते हैं सेंटर पॉइंट्स, स्टार पॉइंट्स एंड फैक्टोरियल डिजाइन्स. अब ये देखते हैं कि क्या है. जैसे कि हमने कहा था लेवल 5 लेवल है इसके. अगर फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम लेके चलते हैं कि कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि 3 इफेक्टिव कंपोनेंट है. अब हमको इन इफेक्टिव कंपोनेंट्स के कंसेंट्रेशन देखने हैं कि ऑप्टिमम वैल्यूज
क्या होगी जिसमें कि हमें एक आउटपुट जो है वो ऑप्टिमम मिलेगा। तो जो हमने सेंटर लेवल लिया है जीरो, अगर तीनों फैक्टर्स के हम यही लेवल ले लें जीरो लेवल और इसी को हम रेप्लिकेट करते चले, तो ये हमारा ये क्या है सेंटर पॉइंट्स है। रेप्लिकेट क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू मिनिमाइज द एरर। ओके नाउ स्टार पॉइंट क्या हुआ हमारा? स्टार पॉइंट भी जस्ट एज सेंटर पॉइंट ही होता है, अंतर क्या है कोई एक फैक्टर x1 x2 x3 कोई एक फैक्टर अपनी एक्सट्रीम लेवल पे होगा। एक्सट्रीम लेवल क्या है? +2 या -2। ओके इस तरीके से यहां पे जैसे तीन है फैक्टर्स हमारे, थ्री है, हर फैक्टर का एक्सट्रीम लेवल होगा +2 -2, तो इस तरीके से स्टार पॉइंट्स कितने होंगे? जस्ट डबल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे थ्री है तो स्टार पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब क्या है सेंटर पॉइंट के, उसमें हमने जीरो लेवल डिस्कस कर लिया, स्टार पॉइंट के साथ हमने स्टार पॉइंट के साथ हमने +2 और -2 डिस्कस कर लिया, बचा क्या हमारा +1 और -1। अब तीनों फैक्टर्स के लिए +1 और -1 के जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं फैक्टोरियल डिजाइन। ये आपकी टोटल डिजाइन में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है? अब इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप सीसीटी के कुछ टाइप्स होते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड, जिसमें कि आपके ये जो लेवल्स हैं ये आपके एग्जैक्ट 5 लेवल यानी +2 और -2 के दिखती है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सीसीडी है। फेस सेंटर्ड, इसमें जो आपके स्टार पॉइंट हैं ये आपके कह लीजिए कि जो रेंज होती है वहां तक आ जाते हैं, इट मींस कि एक्सट्रीम वाला लेवल इसमें नहीं मिलता है। इंस्क्राइब्ड में क्या है कि 5 लेवल तो मिलेंगे लेकिन जो आपका एक्सट्रीम लेवल होता है वो आपका ट्रू लिमिट्स में आ जाता है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जो एक्सट्रीम लेवल होगा उसको -2 ना कहके उसकी कोई एक वैल्यू रहती है 1.66 1. कुछ, तो वो आपका ये इंस्क्राइब्ड वाला ही फॉर्म होता है। नाउ अब हमारे पास क्या है, सीसीडी हमने देख लिया, आरएसएम हम कर रहे थे, तो अब हम देखते हैं कि आरएसएम में सीसीडी आप अप्लाई कैसे करोगे, है ना, कि उसको हम किस तरीके से सीसीडी हमने बनाया। सीसीडी के फॉर्म में ये आपके वैसे ही नंबर ऑफ रन्स हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के, ये आपने रन्स प्रिपेयर कर लिए, ये जो रन्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप रन करेंगे, ये आपका इनपुट पार्ट है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा इसमें एक्स्ट्रा और क्या आएगा, एक यील्ड फैक्टर भी आएगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे। यानी रन्स मतलब प्रोसेस वेरिएबल्स और उनका जो आउटपुट आ रहा है, ये पूरा आपका क्या है इनपुट आरएसएम के लिए। सॉफ्टवेयर पार्ट है, सॉफ्टवेयर इस इनपुट और आउटपुट को एनालाइज करता है डिफरेंट पैरामीटर्स पे एंड देन आपको एक आउटपुट देता है। आउटपुट हमें क्या मिलता है, वैसे तो कई सारे हमारे कह लीजिए कि डेटा रहेंगे आपके जिसके फॉर्म में कोफिशिएंट है, मॉडल है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस होता है वो है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा, ये है इसका प्लॉट, सरफेस प्लॉट। आगे हम देखेंगे कि ये सरफेस प्लॉट बनता कैसे है। नाउ एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे कि ये हमने एक तीन पैरामीटर लिए हैं, सोयाबीन, लिस्टोल एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये 5 लेवल हैं। उन लेवल पे हमने डिसाइड किया कि किस लेवल की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मींस अनकोडेड वैल्यू, +2 +1 0, ये क्या है, ये हमारी कोडेड वैल्यूज हैं जो कि सेम होगी हमारे लिए भी, किसी और रिसर्चर के लिए भी, हर किसी के लिए ये लेवल तो सेम होगा, लेकिन अनकोडेड वैल्यूज हमारी वेरी करती जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने जो फैक्टर्स ये हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं नेक्स्ट वन से। सेकंड थिंग कि आपका जो आउटपुट है वो वेरी कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कंडीशंस वेरी कर सकती है, तो उनके अकॉर्डिंग
ये आपके जो अनकोडेड वैल्यूज हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं। ये एक हमने एग्जांपल दिखाया है पेपर का, जिसमें कि ये तीन पैरामीटर्स लिए गए हैं कोडेड और अनकोडेड वैल्यूज में, और ये आप इसको एक इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये आपकी कंप्लीट इनपुट फाइल हो गई, जिसको कि हम एक्सेल में प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या वर्ड में बनाइए, बट लास्ट में आपको इसको सॉफ्टवेयर में देना होगा। ठीक है, तो आपका वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री एंड रिस्पॉन्स, ये आपके इनपुट फाइल हो गई। अब क्या है, इनपुट फाइल की एनालिसिस हमें करनी होगी। एनालिसिस में हमारे पास आता है कि हम कैसे प्रोसेस करें। इस प्रोसेस के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे डिजाइन एक्सपर्ट है, स्टैटिस्टिका है। यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो स्टैटिस्टिका का एग्जांपल ले रहे हैं। स्टैटिस्टिका में आप न्यू पेज ओपन करते हैं, और वो भी आपका एकदम एक्सेल के जैसा ही पेज होगा, तो उस पे आप अपनी डिजाइन जो है अनकोडेड फॉर्म वाली वो आप उसमें पेस्ट करते हैं, साथ ही साथ जो आपका आउटपुट आता है वो आपने उसमें पेस्ट किया। इसके बाद आपका जो हेडर होगा उसमें जो स्टैटिस्टिक्स वाला कॉलम होगा, आप उसमें से जाके जो एडवांस मॉडल है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरी कर जाता है कि हमें निकालना क्या है। ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि जो रिसर्चर इसको प्लान कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे थोड़ी सी एक नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसमें एनालाइज क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब एडवांस मॉडल हमने सेलेक्ट किया, हमें हमारा जो प्रोसेस है उसका नेचर पता है। यहाँ पे हमें पता है कि हमें जनरल रिग्रेशन निकालनी है, तो हमने इसमें ये जो जनरल रिग्रेशन वाला पार्ट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जनरल रिग्रेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो पूछेगा कि आखिर आपको इसमें से करना क्या है। अब हमें पता है यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है, तो हमने उसे सेलेक्ट किया, क्विक डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। इतना जब हम ओके करते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमसे पूछेगा, अब आप हमको अपने इनपुट और आउटपुट के बारे में बताओ कि आपके इनपुट कौन कौन से हैं। ये तो हमारी टोटल डिजाइन है उसके पास, अब उसे कैसे पता चलेगा कि हमारा इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। तो इसके लिए हम उसको बताते हैं कि हाँ भाई, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमने रन किया। जब ये रन कर देते हैं तो वो एक रिजल्ट हमको बना के देता है। अब क्या है, रिजल्ट में हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे, ऑल इफेक्ट होगा, मॉडल ओवरऑल हमारा कैसा बना है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यूज तो थी, प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्या है। तो ये आपका पूरा इन शॉर्ट एक टूल हो गया स्टैटिस्टिका। अगर आप डिजाइन एक्सपर्ट लेंगे तो वो भी इसी तरीके से वर्क करेगा, कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। अब क्या है कि ये तो हो गया, रिजल्ट्स किस तरीके से आएंगे तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स के हैं। अब जैसा कि हमने वहां पे बताया था कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रेडिक्टेड और रेसिडुअल वैल्यूज, तो ये हमारी क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू, जो हमने जब एक्सपेरिमेंट रन किया तो हमको जो मिली वो ऑब्जर्व वैल्यू हो गई। वही ऑब्जर्व वैल्यू इनपुट के साथ जब टोटल इनपुट हमने सॉफ्टवेयर को दिया तो उसने अपना खुद एनालाइज किया, वो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज हो गई। इस ऑब्जर्व वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा हो गया रेसिडुअल वैल्यूज। रेसिडुअल वैल्यूज जितनी कम होंगी जाहिर सी बात है ऑब्जर्व और प्रेडिक्टेड उतने ही क्लोज होंगे। जब वो उतने क्लोज होंगे तो इट मींस कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट रन हुआ है वो उतना ही अच्छा हुआ होगा और हमारा मॉडल उतना ही अच्छा बनेगा। लास्ट स्लाइड पे जैसे हमने बताया था कि ये आपका जो मेथडोलॉजी है वो कोफिशियंट के बारे में भी बताएगी। रिग्रेशन कोफिशियंट कौन से होंगे, लीनियर टर्म होगा, मींस की इंडिपेंडेंट आपका जो वेरिएबल्स हैं उनके जो लीनियर टर्म है वो ओवरऑल इफेक्टिव हैं कि नहीं उस प्रोसेस के लिए, उनके जो स्क्वायर टर्म है
क्वाड्रेटिक टर्म वो आपके इफेक्टिव है कि नहीं। इसके साथ साथ किसी भी दो वेरिएबल्स का इंटरेक्शन टर्म वो इफेक्टिव है कि नहीं। किस फॉर्म में मिल रहा है? कोफिशिएंट के फॉर्म में। ओवरऑल आप इसको पी वैल्यू के फॉर्म में भी एनालाइज करेंगे। ये आपकी पी वैल्यूज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके जितने भी जो लीनियर टर्म है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का लीनियर टर्म आपका इफेक्टिव नहीं है, बाकी आपका सोयाबीन लिसोल के लीनियर टर्म इफेक्टिव है और क्वाड्रेटिक टर्म आपके तीनों के इफेक्टिव है। इंटरेक्शन में भी आपका सोयाबीन और ये ग्लिसरॉल, सॉरी इंटरेक्शन यहाँ है, सोयाबीन और ग्लिसरॉल का इंटरेक्शन भी आपका इफेक्टिव आया है, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किसी का भी इंटरेक्शन इतना इफेक्टिव नहीं आया है। इट मींस कि कैल्शियम कार्बोनेट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ये आपका ओवरऑल जो क्वाड्रेटिक मॉडल बना है ये है कि आपकी इसकी एफ वैल्यूज भी काफी सिग्निफिकेंट आई हैं, सॉरी एफ वैल्यूज एंड पी वैल्यू दोनों ही काफी सिग्निफिकेंट आई हैं, प्लस आपका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसको आर स्क्वायर को हम मॉडल ऑफ फिटनेस भी कहते हैं, ये हमारा 0.95 के लीजिए या फिर 95%। ये क्या बताता है? ये हमारा बताता है कि फिटनेस ऑफ मॉडल कितनी है। 95% मॉडल फिट है, इट मींस कि हम मॉडल को जितना भी इनपुट दे रहे हैं मॉडल 95% एक्यूरेसी के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहा है। एरर हमारी केवल 5% में एरर आ रही है, 95% तक डेटा मॉडल जो है वो एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर रहा है। अब क्या है इसके साथ जो हमने कहा था प्लॉट्स, ये है हमारे सरफेस प्लॉट और ये है हमारा कंटूर प्लॉट। कंटूर प्लॉट क्या होता है? टू डायमेंशनल हुआ, इसमें दोनों आपके कोई भी दो पैरामीटर हैं। ये कंटूर प्लॉट दूसरे पेपर का है, एक रिसर्च पेपर का, और ये सरफेस प्लॉट दूसरे रिसर्च पेपर का है, तो पैरामीटर से आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये सिर्फ एक समझाने के लिए लिया गया है कि कंटूर प्लॉट दो पैरामीटर के बीच का इंटरेक्शन दिखा रहा है कंटूर के। उसमें इसमें जो सेंटर वैल्यू होगी वो प्रिडिक्ट करेगी कि हाँ यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट है। इट मींस कि अगर आप एक स्केल देखें तो रेंज हमको मिल जाएगी कि इस वैल्यू की ये मिडिल रेंज और सेकंड पैरामीटर का भी जो मिडिल रेंज है अगर वो कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है तो मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली आप अगर देखें कि थर्ड जो आपका था वेरिएबल, इसका कॉम्बिनेशन आप फर्स्ट के साथ देख रहे हैं तो इनकी भी जो मिडिल रेंज है इन तीनों में ही ये थोड़ा सा हायर रेंज की तरफ जा रहा है, बाकी ये लमसम आपकी जो मिडिल रेंज है सबकी वो इफेक्टिव आ रही है। अब सरफेस प्लॉट कैसे प्लॉट करते हैं? सरफेस प्लॉट भी देखिए दो पैरामीटर के बीच में है, दो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में। थर्ड वेरिएबल हमारा कहाँ गया? जाहिर सी बात है थर्ड वेरिएबल हमारा जो जीरो लेवल था हम उस पे उसको कांस्टेंट रखते हैं, मतलब ये काम तो सॉफ्टवेयर कर रहा है, लेकिन एक जानने वाली चीज है कि थर्ड वेरिएबल हमारा जीरो लेवल पे कांस्टेंट है और फिर आप फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल किसी भी दो वेरिएबल को आप स्केलिंग करके देख रहे हो कि उनका इफेक्ट क्या होगा ईज पे। ये आपका एक्स वाई सेट, ये थ्री डायमेंशनल प्लॉट है। अब क्या है इसमें भी जो डार्क रेड दिख रहा है आपका सेंटर टॉप आपका, ये आपका मैक्सिमम को बता रहा है। अगर यहां से आप इन तीनों एक्सेस पे एक्स वाई और सेट पे अगर हम परपेंडिकुलर खींच ड्रॉ करें तो वो पॉइंट हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होगा और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू होंगी जिसके कॉम्बिनेशन में ये आपका एक ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है। ओके नाउ एक जो रह गया था वो हमारा मॉडल, यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया तो ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल मॉडल है। जैसा कि हमने रिग्रेशन में देखा था, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाले में वो हमको लीनियर टर्म बता रहा था, आपका ये इंटरेक्शन टर्म बता रहा है और स्क्वायर टर्म बता रहा है। और ये तो आपका जनरल इक्वेशन हो गई और ये हमारी वो इक्वेशन हो गई जो हमने इनपुट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ने हमको दी।
इस इक्वेशन को जब हम एनालाइज करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं, तो हमको x1, x2 और x3 इन तीनों के वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती हैं, जिसके कॉम्बिनेशन पे y हमारा क्या है, ऑप्टिमम होगा। स्टैटिस्टिका में ये जो x1, x2 और x3 की वैल्यूज हैं, स्टैटिस्टिका अपने से नहीं देता है। अगर हम स्टैटिस्टिका से कर रहे हैं तो ये इक्वेशन हमको या तो मैन्युअली सॉल्व करें या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प से सॉल्व करें। वहीं पे अगर आप डिजाइन एक्सपर्ट यूज करते हैं तो वहां पे वो आपको वो वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या आपका आता है कि ये यूज कहाँ हो रही है? मैथडोलॉजी तो हमने देख ली, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं? जाहिर सी बात है कि ये एक हमने कंपैरेटिव टेबल दिखाई है, जहां से पता चलेगा कि हाँ, अगर हम RSM को यूज कर रहे हैं तो उससे वाकई में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं, चीजें ऑप्टिमाइज हो रही हैं कि नहीं, ये एक टेबल के थ्रू हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि RSM को अप्लाई करके या कॉम्बिनेशन ऑफ PBD एंड RSM, उन्होंने आउटपुट में वाइल्ड के अकॉर्डिंग, मतलब जो नॉर्मल हमारा था उसके अकॉर्डिंग, इतने फोल्ड एनहांसमेंट देखा है। ये रेड से जो हाईलाइटेड है वो कुछ हमारी ही लैब के रिजल्ट्स हैं जिसको हम लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, और ये अदर साइंटिस्ट के रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट थिंग, ये कुछ लिटरेचर है और इसी लिटरेचर की हेल्प से हम ये देख रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। बायोजॉर्प्शन एनवायरमेंट की फील्ड हो रही है, रिमूवल ऑफ डाइज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, वहां पे RSM आपका यूज हो रहा है। आप ये एग्जॉस्ट एमिशन, ऑटो व्हीकल आपके उसमें चला जा रहा है। सरफेस रफनेस, ये आपके मेटल की तरफ जा रहा है। एक्सट्रैक्शन पैरामीटर, केमिस्ट्री में जो आपका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसके पैरामीटर आप इसको देख रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। यहाँ पे ये ओलिवेनिक एसिड का प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है, एंजाइम के प्रोडक्शन को कर रहे हैं। बायोप्लास्टिक आपका जो है PHA प्रोडक्शन, उसमें ये यूज हो रहा है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में और नैनो की फील्ड में भी, जैसे नैनो एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशन में ये यूज हो रहे हैं। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे पता चल रहा है कि हाँ, इस मेथडोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं वो काफी वाइड हैं, किसी भी फील्ड में हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर कम है, 3, 4, 5, 6, तब तक तो ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके बढ़ते हैं, वैसे ही क्या होता है कि आपका जो कह लीजिए कि मॉडल है वो आपका काफी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और यहीं पे आपका आता है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो इसको थोड़ा सा कह लीजिए कि सॉल्व करे। सेकेंड थिंग जो इसकी मेन लिमिटेशंस आती हैं वो है कि इसको एक डिजाइन की नीड है। ये किसी भी रैंडम कह लीजिए कि डेटा पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हमको RSM अप्लाई करना है तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक फॉर्म में डेटा इनपुट फाइल होनी चाहिए, मींस वो किसी ना किसी डिजाइन पे बेस्ड होनी चाहिए। अगर जैसे कि हमने ट्रेडिशनल में किया था, वैसे हमारे पास नंबर ऑफ डेटा है और हम चाहें कि हम उन्हीं डेटा से ऑप्टिमम की तरफ चले जाएं और ये सारे जो कह लीजिए प्लैकेट बर्मन है, RSM है, इनको अप्लाई ना करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें कुछ और चाहिए होगा। RSM के थ्रू वो पॉसिबल नहीं है। RSM में आपको एक डिजाइन चाहिए। और ये जो इसके ड्रॉबैक हैं कह लीजिए या फिर लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस को कवर करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।